हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिनेश सर आईडी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो पटवारी का 23 अप्रैल का फर्स्ट ट्रिप का एग्जाम हुआ उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं, तो हम पूरा पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए एमपी के, क्या क्वेश्चन पूछे गए कंप्यूटर से, कैसे क्वेश्चन पूछे गए आपके, और जो आपका जो साइंस है क्या पूछे गए। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग का रहा वो आज के जो शिफ्ट का भी 35 प्लस यानी 75 प्लस के आसपास ये गया, दोनों मैथ प्लस रीजनिंग क्वेश्चन आप पूछ गए। चलिए हम देर न करते हुए पूरे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए नए आए तो आप लोग से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना भूलें, ताकि आज जो आपका जो यदि नेक्स्ट शिफ्ट में नेक्स्ट दिनांक एग्जाम होने वाला है तो आप यदि पढ़ के जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिल पाएगा। चलिए हम चलते हैं कि आपको क्या कुछ पूछे गए यहाँ पे देख सकते हैं, और यदि आप लोगों को कुछ कम है आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि तो हमको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मिले हुए हैं जो भी हमारे आवेदक थे उन्होंने हमको यहाँ पर क्वेश्चन बताए हुए हैं। चलिए हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि हाल ही में भारत और मालदीव के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। तो इसका जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ इसका नाम तो संस्करण बोला जाता है इको वर्निंग थी 20, ठीक है 21। तो यहाँ पर देख लो भारत और मालदीव के बीच अभ्यास का 11वां संस्करण यहाँ पर मालदीव के कदुब द्वीप में आयोजित किया गया था, और देवी भाषा में एकुबेरिन का अर्थ मित्र होता है, यानी इसको एकुबेरिन जो है ना इसका नाम अभ्यास का नाम इसका अर्थ होता है मित्र, ठीक है। यह एक इंडो आर्यन भाषा है, यह भारत और लक्षद्वीप और मालदीव में बोली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह हुआ था, ठीक है ना। अब जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, वो थोड़ा इसके ये हुआ था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को समझाने में आतंकवाद विरोधी और गतिविधियों को रोकने के लिए इसका जो अनुभव साझा करने के लिए इस तरह का ये अभ्यास किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो ये संस्कृत विद्यालय वो महर्षि पाणी है। अब ये है कहाँ पर देख लो यहाँ पर, तो महर्षि पाणी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय आपका मध्य प्रदेश को उज्जैन में स्थित है, उज्जैन में एक स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1791 में इसकी स्थापना हुई थी, बनारस संस्कृति पाठशाला के रूप में की गई थी, ठीक है। इसका नाम बदल कर राजकीय संस्कृत पाठशाला कोई कॉलेज कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेगा मध्य प्रदेश का सबसे सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो सबसे जो उत्तर जिला है वो आपका भिंड है, और नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश का पूर्व जिला सिंगरौली है, तथा मध्य प्रदेश जो पश्चिम जिला है वो आपका अलीराजपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कर्म भूमि किसकी रचना है। तो कर्म भूमि आपको जो रचना है मुंशी प्रेमचंद की रचना है, और भी रचना है सेवादान रचना है, प्रेम श्रम रचना है, रंग भूमि रचना है, ठीक है, बहुत सारी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की है, ठीक है। तो आप लोग अब जितनी भी जो कवि हैं या कलाकारों की जो रचना है वो यहाँ पे एक नए क्वेश्चन आप पूछ जा रहा है, तो आप जितने भी जितनी की रचनाकारों की आप लोग याद कर लें। तो यहाँ पे इनकी जो रचना है वो ग्रंथी रचना है, गुंजन है, ग्राम है, युगंत, इनकी जो रचना है आपकी सुमित्रानंद पंत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो इनके जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है अनडॉन्टेड, ठीक है, सेविंग द ऑडियो ऑफ इंडिया, ठीक है, इनकी रचना का नाम है, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आपका ये बिहार में स्थित है, तो आप पढ़ लेते इसके बारे में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने क्यों की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। यह नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि में दौरान यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसके जो बनवाया था आपने धर्मपाल ने बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब तक कितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन चुके हैं, यानी जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो अब तक ऐसे हुए हैं कम से कम 6वें, यानी 6 बने हुए हैं वो, 6 बन टोटल। जो आपका मोदी जी हैं वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब वो प्रधानमंत्री बने हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अब तक ऐसे 6 मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे जो सबसे बड़ा जो आपका बाघ है वो महाराष्ट्र में, इसके बाद मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पुष्प के पुष्प जननांग को क्या कहते हैं। तो पुष्केश्वर कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को किस नाम से जाना जाता है। तो हेलोजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो एलिमेंट कौन सा होता है। तो फ्लोरीन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो मीटर एवं सेकंड होता है त्वरण का मात्रक। और ये क्वेश्चन पूछा गया आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं। तो उसमें 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो दमा होती है, दमा, ठीक है, दमा की बीमारी होती है। और एक क्वेश्चन है आपका कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट रोग किससे होता है, संबंधित है।
तो आपको ये हिदायतें संभालनी है। तो जितने भी हमको यहाँ पे जो एमपीजी की जीएस के क्वेश्चन मिल पाए हमने आपको बता दिए। चलिए पढ़ लेते हैं साइंस की। तो साइंस की यहाँ पे मानव रोग से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था, विलयन से आया हुआ था, कोशिका से क्वेश्चन पूछे गए आपके, धातु धातु से क्वेश्चन पूछे गए, तत्व से क्वेश्चन पूछे गए आपके, विद्युत से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, ठोस और द्रव से क्वेश्चन पूछे गए, और इलेक्ट्रॉनिक बदल से यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। चलिए पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट के। तो प्लानिंग से क्वेश्चन पूछे गए आपके, विपणन से क्वेश्चन आए हुए, अधिनियम से क्वेश्चन पूछे गए, कथन से पूछे गए, स्टाफिंग से आपके, नियोजन से, मार्केटिंग से, नियमन नियंत्रण से, विपणन से, प्रबंधन से, तो यहाँ पे इनसे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, परिभाषा से यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए। चलिए अब देखिए कंप्यूटर से कंप्यूटर क्वेश्चन आया था, सबसे बड़ी स्टोरेज मेमोरी कौन सी होती है आपका, एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए, जावा कोडिंग से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, मास टेपोलॉजी पूछे गया था, और कीबोर्ड के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपका, आउटपुट से क्वेश्चन आए हुए हैं, और विंडोज से आए हुए हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आया डाटा सेव कहाँ पर होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। इंग्लिश के देख लें तो आपका सेंटोनेंस इंटोनेंस ठीक है, एरर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक्टिव पैसिव वॉइस पैरा एग्जांपल नरेशन आइटम ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट ये क्वेश्चन पूछे गए। वहाँ के हिंदी में आपका संधि आया हुआ है, समाज आया था, कर्मधार समाज के संबंध क्वेश्चन आया था, और उत्साह का स्थायी भाव पूछा गया था, विलोम शब्द आए थे आपके, लाहौर लोहार में कौन सा प्रत्यय होता है इस तरह क्वेश्चन आया था, और एक मुहावरा आया था खाली हाथ होना इस तरह का मुहावरा आया था, और आपके सर्वनाम से क्वेश्चन बने हुए, तत्सम शब्द से क्वेश्चन बने हुए, तद्भव से आए हुए, आपको वर्तनी आई है, शुद्ध आए ठीक है, अनेक आर्थिक शब्द आए हैं। वहाँ की रीजनिंग आपको अल्फाबेट नंबर सिस्टम सेटिंग अरेंजमेंट कोडिंग डिकोडिंग मैसेज नंबर ठीक है, रेशो परसेंटेज मिरर एम आई डायरेक्शन ठीक है, ये क्वेश्चन आप आए हुए हैं। वहाँ के मैथ के आपके परसेंटेज हैं ठीक है, टेरोनबोली है आपका, लाभ हानि विषम ठीक है, मिरर ठीक है ना, सी आई एस आई पाई चार टाइम वर्ग बोर्ड मार ठीक है, नंबर सिस्टम टाइम एंड दूरी अनुपात समय ठीक है, गोले आयु, ये सब क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो रहे हैं हर उसमें आपके सेप्टर में प्लस एग्जाम। तो हमको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन मिले हुए हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिए, यदि आप लोगों का नेक्स्ट एग्जाम है तो आप लोग जरूर पढ़ के जाएं ताकि आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम निकल सके। ओके दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेप्टर के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।